अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। बताओ घर आके फिर वापिस उसने जेल से आया वो सारे भोपाल से आया वो कौन आया जेल से ये विक्रांत हाँ जेल से आया और थोड़े दिन हुए और बस वो लड़ाई झगड़ा चालू हो गई। आए दिन करते रहते क्या मोहल्ले में? नहीं रहता मोहल्ले में, सब गाली गलौज देते रहते हो। अब कोई कहता है बेचारे के मत बोलो ये दारू के नशे में, अब कब तक मुलाजा करेंगे कोई? और मेरे घर पर कैमरे भी लगे सर, आके भले आप चेक भी कर सकते हो कैमरे जिससे लड़ाई हुई क्या हुआ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशा भाई। एसपी ऑफिस पहुंचे हैं, आपने एसपी साहब को ज्ञापन दिया, क्या कुछ मामला है? कौन सी कॉलोनी का विवाद है? वासुदेवपुरे का। क्या मामला है सर? वो आए हथियार लेके और सबको भाइयों को भी गाली गलौज दी और बोले आप गणपति बिठाना फिर देखते हैं, हम भी भंगी हैं ऐसे बोल के गए और भोयों को सबको गाली दी सर। और हम उसी मोहल्ले में ही रहते हैं सारे। कौन लोग थे ये? सांगते परिवार के। अच्छा, किस बात को लेकर बोल रहे थे ऐसा? ये किस बात को लेकर बोल रहे थे? वो ट्रैक्टर रास्ते में खड़ा था कि क्यों खड़ा हुआ ट्रैक्टर रास्ते में? गणपति की मूर्ति ले जा रहे थे इसलिए सजाया कर रहे थे गणपति जी विसर्जन के लिए लेके ही जा रहे थे तो रास्ते में आके उनने गाली गुप्ता करी। कौन लोग थे? वही थे एसबीआई चाहिए। आप सब लोग कहाँ गए? कितने लोगों घायल हुए? लोगों को लगी पांच को लगी, हमको भी पत्थर मारे, हमको भी पत्थर मारे सर उन्होंने। घर में घुसना छोरे की चेन ही। वही बताओ, आप एसपी ऑफिस पहुंचे हैं, साहब से बात भी करी अपने, कहां से पहुंचे और क्या कुछ मामला हुआ है? हम वासुदेवपुरे से पहुंचे हैं। हाँ? एसपी ऑफिस, हमारी सुनवाई नहीं हुई सिटी कोतवाली पे, इसलिए हम एसपी ऑफिस आए हैं। हम विक्रांत और विनय सांते और विक्रांत और रोहित, हम गणेश जी विसर्जन के लिए तैयारी कर रहे थे जुलूस के लिए, तो वो दोनों दारू पी के आए, बोले रास्ते से हटो, उनको बोला कि रास्ते से हट रहा है तो गाली गलौज करने लगे, वो वहाँ से गए। उसके बाद में पीछे से 10-15 छोरों को लेके आए, हथियार लेके, तलवार कुल्हाड़ी और लोहे के पाइप ये लेके आए और झूमा झटकी करी, लेडीज़ों पे वार करा उन्होंने, पत्थर चलाए, नंगी उगाड़ी गालियाँ बकी कि सारी लेडीज़ों को निकालें बाहर, और बोले भोई समाज की लेडीज़ों के साथ हम ये करेंगे वो करेंगे, बहुत उरे उरे गंदे गंदे शब्द बोले गए हैं उन्होंने। और दोनों अपराधी बाहर हैं और उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। विवाद हुआ तो कोई घायल भी है क्या? हाँ, 5 जने घायल हैं मेरे परिवार से और उन पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। एक इंदौर रेफर करा है, सीरियस है, घर में घुस के मारा है और सारे के सारे उन पर कोई वो नहीं करी है कार्रवाई, इसलिए हम इसके ऑफिस आए हैं। अभी साहब ने क्या बोला है? साहब ने बोला है कि मैं उनके खिलाफ कार्रवाई करता हूँ और मैंने खुद मुकदम हथियार सुद्धा उनको मरामद करा था, राहुल को पकड़ाया था, उस पर 25 आमसे की कार्रवाई भी नहीं करी गई है, और विनय सांते को भी पकड़ाया था तो उसको भी छोड़ दिया पुलिस ने, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। मैं ये चाहती हूँ कि उस पर कार्रवाई करी जाए। आपका नाम? मेरा नाम अमिता सिसोदिया है, वासुदेवपुरा।